हिंदू मंदिर अपने अनोखे वास्तुकला तथा अद्भुत कलाकारी के लिए जाने जाते हैं। इनका मुकाबला दुनिया का कोई भी धार्मिक स्थल नहीं कर सकता, लेकिन इसमें सबसे अजीब सी बात यह है कि 1000 साल पुराने बने मंदिरों को बनाने के लिए किसी भी तरह की मशीनों का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन इतने बड़े बड़े मंदिरों को देखकर आजकल लोग हैरान हो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं भारत के 5 सबसे बड़े हिंदू मंदिर कौन से हैं। नंबर 5, बृहदीश्वर मंदिर। यह मंदिर तमिलनाडु के तंजापुर जिले में स्थित शिव मंदिर है। इसकी ऊंचाई 66 मीटर है। इसका निर्माण 12वीं सदी में राजराज चोल द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर 44.7 एकड़ में फैला हुआ है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर भी घोषित किया है। यह भारत का एक ऐसा मंदिर है जिसकी परछाई कभी नहीं पड़ती। नंबर 4, अक्षरधाम मंदिर। यह मंदिर भारत की नई दिल्ली में स्थित है। यह मंदिर 100 एकड़ में फैला हुआ है। इसे ज्योतिधर भगवान स्वामी नारायण की पुण्य स्मृति में बनवाया गया था। इस मंदिर को सन 2007 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया गया है। नंबर 3, छतरपुर मंदिर। यह मंदिर भारत के दिल्ली शहर में स्थित है। यह लगभग 70 एकड़ में फैला हुआ है। इस मंदिर का निर्माण सन 1974 में कर्नाटक के बाबा नागपाल द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर एक सौंदर्यता का स्वरूप है। नंबर 2, राम मंदिर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनने जा रहा राम मंदिर, जिसका निर्माण संपूर्ण भारत से दिए जा रहे संदेश के द्वारा किया जा रहा है। यह लगभग 161 फीट ऊंचा, 24 प्रवेश द्वार और 221 खंभों के आधार पर बनने वाला यह मंदिर भगवान श्री राम का सबसे बड़ा मंदिर होगा। इसकी खास बात यह होगी कि इसमें एक साथ 10,000 लोग दर्शन कर पाएंगे। नंबर 1, रंगनाथ स्वामी मंदिर। यह मंदिर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक शहर में स्थित है। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में करवाया गया था। इस मंदिर को बनाने के लिए लगभग 253 खंभों का प्रयोग किया गया है। यह मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है।